मानसून की अच्छी बारिश की बात जो रहे कि लोगों और किसानों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से आमजन जीवन बेहाल है। सूर्य की तेज किरणों के बाद दोपहर में गर्मी का अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। हालांकि शनिवार की सुबह आसमान में बादल मंडराते रहे लेकिन बरसात नहीं हुई। वहीं बादलों की आवाजाही और तेज गर्मी का दौर पूरा दिन चलता रहा। भले ही मौसम विभाग द्वारा मानसून के आने की संभावना जून में की गई थी और उसकी दस्तक भी पिछले सप्ताह बाड़मेर में हो गई थी, जिससे बाड़मेर लू का असर कम हो गया है, लेकिन अब बाड़मेर जिला मुख्यालय समेत कई ग्रामीण हिस्सों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 5 दिन तक लू चलने की संभावनाएं नहीं है। अगले 5 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावनाएं हैं। बता दें कि 4 से 5 जुलाई को लू चलने का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इन दिनों उमस ने लोगों का हाल खराब कर रखा है। शनिवार को बाड़मेर में बादल छाए रहे लेकिन बिना बरसे ही चले गए, जिससे लोग काफी परेशान नजर आए। मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा कि जैसी आशंका जताई गई थी, उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानों से लू का असर कम हो गया है। शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के आसपास के इलाकों में व्यापक रूप से बारिश हुई। इसके चलते लू से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि मानसून ने इस बार अपना पैटर्न में कुछ बदलाव किया और सबसे आखिरी स्टेशन में से एक पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में पहले पहुंच गया, मगर बरसा नहीं। दरअसल इस बार प्रदेश में मानसून तय समय से करीब 12 दिन पहले ही दक्षिणी पूर्वी रास्ते से प्रदेश में प्रवेश कर गया। पिछले 8-10 दिन से मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से गुजर रही है, मगर इसका असर कम ही दिख रहा है। बादल आ तो रहे हैं मगर बरस नहीं रहे। गर्मी के कारण लोग परेशान हैं।